दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि एक ऐसी इंपोर्टेंट जानकारी जिसमें आप जानेंगे लेबर कार्ड क्या होता है, नरेगा कार्ड क्या होता है और ई श्रम कार्ड क्या होता है, कौन से कार्ड बनाना चाहिए, कौन सा कार्ड नहीं बनाना चाहिए और कौन से कार्ड से क्या फायदा होने वाला है, क्या बेनिफिट होने वाला है और लेबर कार्ड में और नरेगा जॉब कार्ड में और ई श्रम कार्ड में क्या अंतर है, कौन से कार्ड किन के लिए, कौन से कार्ड में कौन से फायदे होने वाले हैं, ये सारी पूरी चीज हम आपको विस्तार से बताने की कोशिश करेंगे। इसलिए हमेशा की तरह आपसे फिर से गुजारिश करते हैं, अगर चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। चलिए, इसमें हम आपको बताने वाले पूरी विस्तार से जानकारी कि नरेगा जॉब कार्ड क्या होता है और लेबर कार्ड क्या होता है, ई श्रम कार्ड क्या होता है, ये हम इसकी वेबसाइट से डिटेल निकाल कर और डिटेल आपके सामने हम बताने वाले हैं ये सभी डिटेल के बारे में विस्तार से। तो चलिए, आपको फिर से मैं बताना चाहता हूँ, अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। इसी तरह की नॉलेजफुल जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर कीजिएगा ताकि जो भी लेटेस्ट जानकारी होगी वो आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए, सबसे पहले आपको हम बता दें, इसकी जो दुविधा है ये बहुत सारी ग्रामीण इलाके में है कि सभी लोग ई श्रम कार्ड को जो लेबर कार्ड यानी कि जॉब कार्ड बोल रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि लेबर कार्ड जो है वो अलग है, नरेगा जॉब कार्ड वो अलग है और जो ई श्रम कार्ड है वो अलग है, यानी कि तीनों चीज अलग है। इसलिए मैंने आपको दिखाने के लिए नरेगा की वेबसाइट को ओपन कर रखा है और श्रम विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन कर रखा और यहाँ पे हमने बिहार के जो लेबर की वेबसाइट है, लेबर डिपार्टमेंट की, वो वेबसाइट मैंने आपके सामने ओपन कर रखा और यहाँ पे ई श्रम वेबसाइट ओपन कर रखा है ताकि हम चारों के बारे में आपको विस्तार से बताने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं ई श्रम कार्ड जो अभी बन रहा है फिलहाल, तो ई श्रम कार्ड के बारे में जानेंगे। ई श्रम कार्ड क्या होता है? ई श्रम कार्ड में आपको बता दो, आप भी जो भी काम करते हैं, तो जैसे कि आप मिस्त्री हैं या लेबर या कोई भी काम करते हैं, पेंटर हो, कोई भी काम करते हैं, तो आपके पास एक प्रूफ नहीं है, एक सर्टिफिकेट नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है कि आप ये काम करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप एक पेंटर है या एक मिस्त्री है, एक लेबर, तो आपके पास कोई एक प्रूफ नहीं है कि आप अपने आप को दर्शा सके कि आप लेबर है या पेंटर है या मिस्त्री है। उसके लिए आपको ई श्रम कार्ड बनाना चाहिए कि आपका एक सबूत हो जाता है कि आप पेंटर है, आप लेबर है और जो भी है, वो आपको सबूत हो जाता है ई श्रम कार्ड के लिए। एक तरह के ई सबूत के तौर पे आपको ई श्रम कार्ड बन जाता है। ये तो सबूत की बात होगी, ई श्रम कार्ड की एक फायदे मैंने आपको बता दी। दूसरे ई श्रम कार्ड के फायदे की बात करें, यहाँ पे अगर आप ई श्रम कार्ड बनवा लेते हैं तो यहाँ पे आपको सालाना 12 रुपये आपके अकाउंट से कटेंगे, जिसमें आपको 2 लाख रुपए का इंश्योरेंस किया जाता है। यानी कि अगर आपकी एक्सीडेंट हो जाती है, वो भी बता दूं, एक्सीडेंट यानी कि पूरी तरह एक्सीडेंट में पूरी तरह विकलांग हो जाने पर आपके जो नॉमिनी होते हैं उसे 2 लाख रुपए यहाँ पे ई श्रम कार्ड के द्वारा दिया जाता है। या आपकी एक्सीडेंट में आपकी मौत हो जाती है तब भी आपको 2 लाख रुपए दिया जाता है। बहुत सारे YouTube पे वीडियो में बताया गया 1 लाख रुपए दिया जाता है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे क्लियर बता दूं, यहाँ पे अगर पूरी तरह एक्सीडेंट हो गए, जिसमें पूरी तरह विकलांग हो गए, तब आपको 2 लाख रुपए आपके नॉमिनी को यानी कि आपको दिया जाएगा। अगर आप पूरी तरह एक्सीडेंट हो गए, उसमें आपकी डेथ हो गई, मौत हो गई, तो आपको जो नॉमिनी होंगे उसको 2 लाख रुपए मिलेंगे। यहाँ पे ये कंफर्म है कि कितने रुपए मिलेंगे, 2 लाख रुपए मिलेंगे और इसमें आपको इंश्योरेंस कटता है 12 रुपए सालाना, यानी कि आप जो अकाउंट लिंक करेंगे ई श्रम कार्ड बनाते समय, उस अकाउंट से 12 रुपए सालाना आपके काट लिए जाएंगे और उससे काट कर आपका एक इंश्योरेंस कर दिया जाता है जो आपके लाइफ के लिए एक लाभदायक होता है। यानी कि जब भी एक्सीडेंट होती है, पूरी तरह विकलांगता होती है, आपको 2 लाख रुपए और मौत होने के बाद आपकी नॉमिनी को 2 लाख रुपए दिए जाते हैं। ये दूसरी फायदा आपको ई श्रम कार्ड के विभाग की ओर से। और एक नई अपडेट अभी आ रही है मुझे, क्योंकि अब जो बीपीएल कनेक्शन है, बीपीएल गैस कनेक्शन, उज्ज्वला योजना, बीपीएल गैस कनेक्शन, सभी को जिसको भी नाम उसको भी नहीं दिया जा रहा है। क्यों नहीं दिया जा रहा है? जिसके पास ई श्रम कार्ड उन्हीं को दिया जा रहा है। याद रखेंगे कि अब जो उज्ज्वला गैस कनेक्शन है वो सभी को नहीं दिया जा रहा है, जिसके पास ई श्रम कार्ड वही दिया जा रहा है, क्योंकि ये नया अपडेट है। हमारे इलाके में कुछ व्यक्ति गए थे सिलेंडर लेने, लेकिन उन्हें नहीं दिया गया, उन्हें ई श्रम कार्ड की मांग की गई। तो इसी तरह के ई श्रम कार्ड बहुत सारे सरकारी कार्यालय में यूजफुल हो सकते हैं, जिस तरह अभी गैस कनेक्शन में बिना ई श्रम कार्ड के गैस कनेक्शन, उज्ज्वला गैस कनेक्शन फ्री में नहीं दिया जा रहा है। तो ये तीन आपको ई श्रम कार्ड के फायदे हो गए। और चौथी फायदा आपको यहाँ पे ये है, अगर एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता दूँ, अगर आप पेंटर है या आप मिस्त्री है, अगर आपके एरिया में गवर्नमेंट को पेंटर की जरूरत पड़ी, मिस्त्री की जरूरत पड़ी, तो सरकार आपकी हेल्प ले सकती है, जिसके बदले आपको सरकार जो आपका रोज बनता है, जो भी आपका मेहनत का चार्ज बनता है, वो आपको सरकार पे करेगी। यहाँ पे 4 फायदे मैंने आपको ई श्रम कार्ड के बारे में बता दिया। उसके बाद यहाँ पे
अगली फायदे श्रम कार्ड की आपको होने वाली, कोई भी आपदा आने पे, कोई भी मुसीबत आने पे अगर सरकार आप कोई किसी को सहायता देगी जिसके पास ई श्रम कार्ड रहेगा उन्हीं को देगी। इससे पहले क्या हुआ था पिछली बार कोरोना में कि सरकार जो जिसको हुआ किसी को बहुत आया, किसी को 5,000 आया, किसी को 100 रुपये भी नहीं आया। तो इसलिए बहुत सारे गरीब को आए, बहुत सारे गरीब को नहीं आए, बहुत सारे अमीर को भी आए लेकिन गरीब को नहीं आए। लेकिन सरकार इसी को देखते हुए ई श्रम कार्ड का लॉन्च किए जिसमें जिसका ई श्रम कार्ड रजिस्टर रहेगा, जिसका ई श्रम कार्ड बना रहेगा, जो भी आपदा आएगा, जो भी मुसीबत आएगी उसमें जो सरकार जो भी सहायता देगी जिसके पास ई श्रम कार्ड रहेगा उन्हीं को सहायता देगी। सहायता कितना देगी, कब, महीने महीने देगी, इसकी डिटेल अभी नहीं दी गई है। जब भी दी जाएगी वो आपको इस चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। ये तो ई श्रम कार्ड की बारे में हो गया। अब बात कर लेते हैं ई श्रम कार्ड किसे बनाना चाहिए, किसे नहीं बनाना चाहिए। तो उसके लिए आपको यहाँ पे पीडीएफ, उसके लिए आपको ई श्रम कार्ड की वेबसाइट पे आएंगे, यहाँ पे आपको मिलेगा क्लिक हेयर। तो यहाँ पे देखेंगे क्लिक हेयर के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक पीडीएफ ओपन हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए ये पीडीएफ है, यहाँ पे सेक्टर दिए गए, नाम दिए गए, यानी कि अगर इस पीडीएफ में आपके काम, आप जो काम करते पेंटर है, मिस्त्री है, जो भी ये काम करते, अगर वो काम आपके इस पीडीएफ में है तो इसका मतलब है कि आप जो है ई श्रम कार्ड बना सकते हैं। ये अंग्रेजी में पीडीएफ, अगर इस पीडीएफ को हिंदी का पीडीएफ अभी चाहिए तो आप हमें टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक, चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहां से आप इसकी हिंदी कॉपी ले सकते हैं। जहां आप जानेंगे कि इस लिस्ट में जिस भी व्यक्ति के काम की कैटेगरीज हैं, जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे काम है, अगर बहुत सारे इसमें काम दिए गए, अगर वो काम आप करते हैं इसमें जो जो भी कैटेगरी की काम, अगर वो काम आप करते हैं तो इसका मतलब है कि आप ई श्रम कार्ड बना सकते हैं। इस पीडीएफ में जो भी कैटेगरी के हैं सभी को दिया गया है, यानी कि वो सभी बना सकते हैं ई श्रम कार्ड। अगर आपका जो मतलब आपका वर्क इस पीडीएफ के अनुसार नहीं है इसका मतलब है कि आप ई श्रम कार्ड नहीं बना सकते। आप जो भी काम करते हैं अगर इस पीडीएफ में यहाँ पे दिया होगा साइड में तो इसका मतलब आप बना सकते हैं, ठीक है। तो ये ई श्रम कार्ड के मैंने आपको कुछ फायदे गिना दिए और किसको बनाना चाहिए, किसको नहीं बनाना चाहिए, ठीक है। तो ये ई श्रम कार्ड की हो गई। अब दूसरी तरफ यहाँ भी बात कर लेते हैं लेबर कार्ड, ठीक है। ये हमारी लेबर, बिहार की लेबर कार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट है जिसे मैंने यहाँ पे ओपन कर रखा। पहले हम ई श्रम कार्ड के बारे में डिटेल में बता दी क्या फायदा है और कौन बना सकते हैं। अब दूसरी यहाँ पे है लेबर कार्ड के बारे में, जिसके लिए लेबर कार्ड की वेबसाइट को हम यहाँ पे ओपन कर रखे हैं। अब बात कर लेते हैं लेबर कार्ड किसे, क्या है लेबर कार्ड, क्यों बनाना चाहिए और किसे बनाना चाहिए। इस श्रम कार्ड के बारे में मैंने बात कर ली, अब हम बात कर रहे हैं कि लेबर कार्ड किसे बनाना चाहिए, किसे नहीं बनाना। लेबर कार्ड उस व्यक्ति को बनाना चाहिए जो व्यक्ति बिल्डिंग का काम करते हो, घर बनाने का काम करते हो, रोड बनाने का काम करते हो, उनके लिए लेबर कार्ड है। यानी कि घर बनाने का काम और सड़क बनाने का काम, इस तरह के जो भी काम होते हैं मिस्त्री के, लेबर के, वो तरह के काम अगर आप कर रहे हैं तो आपके लिए लेबर कार्ड बनाना अनिवार्य हो जाता है, ठीक है। यानी कि मिस्त्री टाइप के अगर आपके वर्क है, अगर मिस्त्री, लेबर या घर बनाना, इस टाइप के अगर आपके कोई काम है तब आप ये मतलब कि लेबर कार्ड बना सकते हैं। ये आप सिंपली समझ के मिस्त्री टाइप के, यानी कि घर बनाना, रोड बनाना, इस टाइप के अगर आपके काम है तब आप लेबर कार्ड बना सकते हैं। चलिए अब हम आपको एक पीडीएफ दिखाते हैं जिसमें बताते हैं कि लेबर कार्ड बनाने से क्या फायदा होने वाला है। यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ बिहार के द्वारा एक पीडीएफ जारी किया गया है जिसमें लेबर कार्ड बनाने के फायदे बताए गए हैं। चलिए हम इसे जूम करके आपको दिखा देते हैं। लेबर कार्ड जो वो आपकी हर तरह की जरूरत को पूरा करती है। लेबर कार्ड बनाने से आपकी घर की शादी हो या घर बनाना हो या साइकिल लेना हो या बीमार हो, यानी किसी भी तरह की मुसीबत आने पर लेबर कार्ड आपकी सहायता करती है। चाहे आपके घर में शादी हो, चाहे आपको साइकिल खरीदना हो, चाहे आपको नगद रुपये चाहिए, या आपको शिक्षा के लिए, पढ़ने के लिए पैसे चाहिए, या आपको घर बनाने के लिए या किसी भी तरह की आपको सहायता चाहिए, तो ये लेबर कार्ड आपके लिए अनिवार्य है, मतलब कि आपके लिए यूजफुल है। यहाँ पे बताया गया है शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता, अगर शिक्षा के लिए अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए अगर आप रुपया लेने चाहते हैं तो सरकार आपको यहाँ पे रुपये देने वाली है, ठीक है। तो रुपये देने वाले यहाँ पे आपको 20,000 तक रुपये देगी सरकार अपने बच्चे को शिक्षा प्रदान करने के लिए। किन्हें देगी, जिसके पास लेबर कार्ड होगा, ठीक है। लेबर कार्ड कैसे बनता है वो भी हम बताएंगे आगे, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। यहाँ देखिए कौन कौन से स्टूडेंट को पढ़ने के लिए यहाँ पे सरकार देने वाली है, या आप इसे पढ़ लेंगे। इसका पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, आप टेलीग्राम से इसे पढ़ सकते बड़ी आसानी से, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दूसरा, यहाँ पे लेबर कार्ड के जो फायदे वो दिया गया, नगद पुरस्कार। यहाँ पे नगद पुरस्कार देगी, यहाँ पे ये जो भी मैं डिटेल आपको बता रहा हूँ ये तभी मिलेगा जब आपका लेबर कार्ड 1 साल पुराना हो जाएगा तब,
ठीक है, अगर आप नया लेबर कार्ड बनाते हो और चाहते हैं तुरंत आप ये सब सहायता ले, तो तुरंत नहीं मिलेगा। जब आपका लेबर कार्ड 1 साल पुराना हो जाएगा तो आप इसमें से कोई भी एक योजना ले सकते, एक एक करके अगर चाहे तो सभी योजना मिलेगा, लेकिन एक साथ आपको एक ही योजना मिलेगा। पहले तो शिक्षा के लिए आपको सहायता मिल जाएगी, और कैसी सहायता मिलेगी उसके बारे में भी हम बात करेंगे। उसके बाद नगद पुरस्कार अगर चाहिए तो नगद पुरस्कार भी मिलेगी। यहाँ पे किसके लिए मिलेगा, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए, इसके लिए आपको निकटतम यानी कि कम से कम 1 साल पुराना होना चाहिए आपका लेबर कार्ड, और अधिकतम 2 बच्चे होने चाहिए, ठीक है। और बिहार राज्य के अंदर किसी भी बोर्ड में 10वीं या 12वीं से अगर 80% मार्क या उससे ज्यादा मार्क से पास किए तो उसे ₹25,000 से लेकर आप 25,000 तक का आपको जो भी सुविधा है वो दिए जाते हैं। अगर 70 से 79% मार्क आते हैं तो ₹15,000, और 60 से 69% मार्क आते हैं तो ₹10,000 आपको दिए जाते हैं। ये अलग से दिए जाते हैं, जो बिहार बोर्ड फर्स्ट करते हैं तो उसके बाद बिहार बोर्ड जो देती है ₹10,000 वो अलग है, लेकिन ये जो है लेबर कार्ड के द्वारा आपको अलग मिलेगा, ठीक है। तो ये दूसरी आपको फायदा होगी लेबर कार्ड की। और तीसरी, यहाँ पे अगर आपके बच्चे की शादी विवाह है तो उसके लिए आपको सहायता मिलेगा लेबर कार्ड की ऑफिस की ओर से। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसमें 50,000 तक का आपको सहायता मिलेगा। और चौथी, यहाँ पे आपको सहायता मिलेगा लेबर कार्ड के, यहाँ पे साइकिल अगर खरीदना हो तो यहाँ पे आपको साइकिल खरीदने के लिए ₹3,500 दिए जाते हैं, जिसके लिए आपको 1 वर्ष का यानी कि सदस्यता होना चाहिए, यानी कि 1 वर्ष पुराना आपका लेबर कार्ड होना चाहिए। उसको अगर लेबर है तो जो आपकी औजार है, जो अभी सामान है मतलब मिस्त्री है तो काम करते हो, औजार पत्ती की जरूरत होती होगी, तो वो औजार पत्ती खरीदने के लिए, औजार खरीदने के लिए आपको 15,000 तक का सहायता सरकार देने वाली है। साथ साथ अगर आपकी घर है, भवन है, वो पुरानी हो चुकी है, उसको मरम्मत की जरूरत है, तो उसके लिए भी सरकार आपको 20,000 तक की सहायता देने वाली है अगर आपके पास लेबर कार्ड है। तो उसके बाद अगर आपके घर में आप बीमार पड़ जाते हैं उसके लिए मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से आपको यहाँ पे सहायता प्रदान किए जाते हैं। और यहाँ पे वार्षिक सहायता यानी कि हर साल आपको ₹3,000 अलग से दिए जाते हैं चिकित्सा के लिए यानी कि इलाज के लिए। ये जो हो गए, ये तो 8 फायदे हो गए आपको लेबर कार्ड के। अब चलिए नेक्स्ट फायदे की यहाँ पे बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए अगले फायदे यहाँ पे आपको दिए गए हैं, 8 तो फायदा मैंने आपको बता दिया। 9वां फायदा यहाँ पे आपको मिलेगा, अगर आपकी उम्र 60 वर्ष से ज्यादा हो जाती है तो आपको ₹1,000 हर महीने आपको दिए जाएंगे, ठीक है। सामाजिक सुरक्षा की ओर से यहाँ पे आपको 1,000 का पेंशन मिलेगा, ₹1,000 आपको महीना मिलेगा 60 साल पूरे हो जाने के बाद अगर आपके पास लेबर कार्ड है तो। यानी कि याद रखिए कि ₹400 जो मंथली मिल रहा है मतलब कि 60 साल से ज्यादा वाले को, वो पेंशन नहीं मिलेगा बल्कि 1,000 वाला पेंशन आपको मिलेगा अगर आपके पास लेबर कार्ड है तो। ये तो 9वीं फायदे हो गए आपको लेबर कार्ड के। 10वीं फायदे हो गए, अगर आप विकलांग है तो उसके लिए अलग से आपको सरकार ₹1,000 प्रतिमाह देगी, जिसमें लकवा वगैरह जो भी बड़े बीमारी होते हैं, टीवी वगैरह दुर्घटना हुए हैं तो आपको ₹1,000 सरकार महीना आपकी सहायता देती है। और इसे ठीक इलाज करने के लिए आपको एक मोस्ट जो है ₹75,000 तक का सहायता सरकार प्रदान करती है, जो यहाँ पे 10वीं फायदे हो जाएंगे आपके लेबर कार्ड के। उसके बाद यहाँ पे 11वें फायदे की बात करें लेबर कार्ड, यहाँ पे दाह संस्कार है तो यानी कि आपकी मौत हो जाती है, उसमें मौत में जो भी कामगार में आपको रुपये लगते हैं वो उसके लिए भी सरकार आपको 5,000 तक का सहायता देने वाली है, ये लेबर कार्ड के लिए। उसके बाद नेक्स्ट 11वें की बात करें, 11वें सहायता के पास मृत्यु होने के बाद भी आपको यहाँ पे अलग से यहाँ पे कुछ सहायता दिए जाते हैं, जो कि देख पा रहे हैं 2 लाख से 4 लाख तक का आपको सहायता दिए जाए। ये सभी आप रीड करेंगे, बहुत बड़ा पीडीएफ है तो हम आपको ये टेलीग्राम पे शेयर करेंगे, आप वहाँ से इसे पढ़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे परिवार के लिए पेंशन आपको दिए जाते हैं, तो इसके लिए इसे भी आप रीड करेंगे, यानी कि 13वां ये आपका सुविधा हो गया, 13वां लाभ हो गया, यानी कि 13 लाभ आपको यहाँ तक मिल चुका है लेबर कार्ड के। यहाँ पे देखिए बहुत सारे यहाँ पे दिए गए हैं, और साथ साथ यहाँ प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का भी सहायता दिया गया है, यानी कि ₹3,000 अगर 60 साल पूरे जाते हैं 3,000 आपको मंथली अलग से भी दिया जाएंगे। तो ये सारी यानी कि 10-15 जो सुविधाएं हैं वो आपको लेबर कार्ड के द्वारा मिल रही है। तो अगर लेबर कार्ड बनाते हैं तो ये 10-15 सुविधा आपको मिलेगी, यानी कि यहाँ पे जो भी सुविधा देगी, अगर कोई एक घटना आपके साथ घट जाती है, एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप बीमार पड़ जाते हैं तो उसके लिए सरकार आपको सहायता देने वाली है। जब भी आपको जरूरत हो, जिस चीज की जरूरत हो, तो आप लेबर कार्ड के द्वारा ले सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आपकी घर में किसी की शादी है तो 50,000 तक की सहायता आपको कौन देगा, लेबर विभाग देगा, लेबर डिपार्टमेंट देगा। तो इसके लिए हम बताएंगे किस तरह कार्ड बनेंगे, कैसे वो रुपये के लिए आप क्लेम कर सकते हैं। ये तो होगी आपको लेबर कार्ड की फायदे। तो लेबर कार्ड बनाने के लिए आप ऑनलाइन भी बना सकते हैं, यहाँ पे इस वेबसाइट पर, यहाँ पे CSC लॉगिन करके आप बना सकते हैं, जो कि मैंने पिछले वीडियो में बताया। अगर आपने नहीं देखा है तो वो वीडियो देख लीजिएगा, और मैं न्यू वीडियो में अपडेट के साथ यानी 2022 में बनाने की प्रक्रिया आपको बताएंगे। अगर आपका पहले बन गया, आपको नहीं मिला है कार्ड, तो यहाँ पे रजिस्टर लेवल पे क्लिक करके आप चेक कर सकते हैं आपका कार्ड बना कि नहीं बना। यहाँ पे अपना जिला सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे अपने
जो भी आ रहा है वो सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे ग्रामीण और शहरी कौन से क्षेत्र से आते हैं वो सेलेक्ट करेंगे, वार्ड नंबर सेलेक्ट करेंगे, सर्च करेंगे, यहाँ पे डिटेल आ जाएगी। तो इस डिटेल में देखेंगे आपका लेबर कार्ड बना कि नहीं, अगर बना होगा तो यहाँ पे आपकी डिटेल आ जाएगी। तो इस तरह आप चेक भी कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर आपने अप्लाई कर दिया तो यहाँ व्यू रजिस्टर पर क्लिक करके अपनी लेबर कार्ड की आप स्टेटस भी देख सकते हैं, स्थिति भी देख सकते हैं। तो ये समझ के लेबर कार्ड कैसे बनाना चाहिए, क्यों बनाना चाहिए, किसके लिए बनाना है, यानी कोई भी व्यक्ति जो लेबर काम मतलब घर बनाने के काम, रोड बनाने के काम, सड़क बनाने के काम, इस तरह के काम कर रहे हैं तो वो बना सकते हैं। उसके लिए कौन कौन फायदे वो आपको मैंने इस पीडीएफ में बताया हूँ, ठीक है, तो आप देख लीजिएगा। तो सबसे बेस्ट अभी आपको लेबर कार्ड, जिसमें बहुत सारी सुविधा आपको मिल रही है। लेबर कार्ड अगर आप नहीं भी बनाएंगे तो ये ऑटोमेटिक बन जाता है। कैसे बन जाता है, अगर आपको पीएम किसान आवास या इंदिरा आवास मिलता है तो आपको लेबर कार्ड मुखिया की ओर से बना दिया जाता है। जब तक ये मुखिया की ओर से लेबर कार्ड नहीं बनता है तब तक आपको इंदिरा आवास या पीएम आवास नहीं मिलता है। तो वो भी चेक करेंगे किस तरह आप चेक कर पाएंगे अपना आपका लेबर कार्ड बना के नहीं, अगर इंदिरा आवास आपको मिल गया तो आपका लेबर कार्ड बना के नहीं बना, वो लेबर कार्ड कैसे मिलेगा ये भी हम जानेंगे। तो हम तो जान गए अभी क्या क्या जाने जॉब कार्ड मतलब ई श्रम कार्ड के बारे में, ई श्रम कार्ड के फायदे और यहाँ पे लेबर कार्ड के फायदे। अब चलिए नरेगा जॉब कार्ड के बारे में बात कर ले। नरेगा जॉब कार्ड किसके लिए है, क्यों बनाना चाहिए, अब बात करते हैं नरेगा जॉब कार्ड की। जी हाँ, नरेगा जॉब कार्ड जो है इसमें आपको काम प्रोवाइड किए जाते हैं, जो भी आप वर्क करते हो उस रिलेटेड आपको काम प्रोवाइड किया जाता है आपके पंचायत में। जैसे कि आप मिस्त्री हैं, लेबर हैं, ये जो भी मिस्त्री लेबर हैं अगर आप हैं तो आपको जो काम है वो सरकार देगी आपके ही पंचायत में, आपके ही गांव में। उसके लिए सरकार जो भी आपका चार्ज बनता है वो आपको पे करेगी, यानी कि आपके गांव में ही सरकार आपको काम देगी, वो भी उसके लिए भी आपको सरकार पेमेंट करने वाली है, ठीक है। ये नरेगा जॉब कार्ड के द्वारा आपको काम मिलता है। ये नरेगा जॉब कार्ड कैसे बनता है, ये अपनी पंचायत के मुखिया से के द्वारा बनवा सकते हैं नरेगा जॉब कार्ड। जो भी पंचायत में काम है जैसे सड़क बनाना या कोई चीज महल बनाना, कोई भी चीज बनाना अगर पंचायत में आता है तो नरेगा जॉब कार्ड कर्मी जो है उन्हीं के द्वारा वो बनाया जाता है, ठीक है। तो अगर आपका नरेगा जॉब कार्ड बना है तो आपको काम दिया जाएगा, आप उसमें काम करेंगे तो उसके लिए सरकार आपको खाते में, आप काम करेंगे तो आपके बैंक अकाउंट में सरकार उसके लिए जो भी पेमेंट बनता है वो आपको पेमेंट करेगी। ये नरेगा जॉब कार्ड अपनी पंचायत के मुखिया से बनवा सकते हैं। तो ये समझ के काम करने के लिए आपको काम ढूंढने की कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपको घर से बाहर जाने की जरूरत है, आपके गाँव में ही आपके इलाके में ही सरकार आपको काम ढूंढ के देगी और उसके लिए सरकार आपको पेमेंट करेगी। वो किसके द्वारा करेगी, वो नरेगा जॉब कार्ड के द्वारा करेगी। नरेगा जॉब कार्ड नहीं बना तो अपने ग्राम पंचायत के मुखिया से मिलकर वहां से आप नरेगा जॉब कार्ड बनवा सकते हैं। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं क्या ई श्रम कार्ड और लेबर कार्ड दोनों एक आदमी बना सकते हैं या नहीं बना सकते, ये भी कंफ्यूजन की बात है, ये भी हम दूर कर देते। दोनों कार्ड बना सकते हैं, ये आप बड़ी ये बात आप कंफर्म कर लीजिए। अगर आप चाहे तो आप दोनों कार्ड बना सकते हैं, अगर आपके वर्क इस ई श्रम कार्ड के द्वारा जो लिस्ट जारी किए गए उस लिस्ट में उस पीडीएफ में अगर आपके काम आ रहे हैं तब आप ई श्रम कार्ड भी बना सकते हैं, और वही काम आपकर आपको लेबर डिपार्टमेंट में आ रहे तो वो आप लेबर कार्ड भी बना सकते हैं। यानी कि मिस्त्री जो होते लेबर जो होते वो इस विभाग में भी आ रहे हैं और इस श्रम कार्ड के द्वारा जारी किए गए उसमें भी आ रहे हैं, तो इसलिए आप दोनों कार्ड बना सकते हैं बिना कोई दिक्कत के, आपको कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। आप इस श्रम कार्ड लेबर कार्ड दोनों बना सकते हैं, और यहाँ पे नरेगा कार्ड भी आप बना सकते हैं। नरेगा कार्ड में आपको सरकार काम आपके गाँव में ही ढूंढ के देगी, ठीक है। तो ये सभी आप बना सकते हैं, ये तीनों आप बना सकते हो, तीनों को फायदे आप जान गए। ऐसा नहीं कि अगर आपको जॉब कार्ड बनाया तो आप ई श्रम नहीं बना सकते, ई श्रम बनाया तो जॉब कार्ड नहीं बना सकते, ऐसा बिल्कुल नहीं। आप तीनों कार्ड बना सकते हो, तीनों के अपने अपने जगह पे तीनों अलग अलग फायदे आपको देने वाले। पहले तो यहाँ पे ई श्रम कार्ड की बात कर लेते हैं। ई श्रम कार्ड जो भी आपदा होती है उसमें आपको जो भी सरकार सहायता देगी वो ई श्रम कार्ड के द्वारा देगी, और दुर्घटना बीमा पे दुर्घटना होने पे 2 लाख तक का सहायता आपको देने वाली है, और एक तरह के आपके काम के प्रूफ यहाँ पे ई श्रम कार्ड आपको देने वाली है। और दूसरी बात, यहाँ पे लेबर कार्ड जो है, लेबर कार्ड यानी आपकी जरूरत के हिसाब से आपको पेमेंट करने वाली है। जैसे आपके घर में विवाह हो या आपके घर में किसी की डेथ हो गई या बीमार हो, उस यानी कि आपको जरूरत पड़ने जब भी जरूरत पड़े तब आप लेबर डिपार्टमेंट से उसकी पैसे ले सकते हैं। लेकिन वही बात करें ई श्रम कार्ड में जब जरूरत पड़ेगी आपको तब पैसे नहीं मिलेंगे, जब भी सरकार आपको चाहेगी तब पेमेंट देगी। लेकिन यहाँ पे लेबर कार्ड आपका बनता है तो इससे ये फायदा होता है, जब भी आपको चाहिए रुपया तब जब भी जरूरत हो तब भी आप ले सकते हैं, चाहे वो सहायता हो या किसी भी तरह की आपदा आने पर जब भी चाहिए आप सहायता ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ नरेगा जॉब कार्ड में आपको काम ढूंढने की जरूरत नहीं, काम ढूंढ के सरकार देगी और उसके लिए पैसे भी सरकार आपको देने वाली है। और मजदूर रजिस्टर यानी कि लेबर रजिस्ट्रेशन कैसे करें ऑनलाइन, उसके लिए मैंने यहाँ पे ये वीडियो में बताया था, जो वीडियो आप देख लीजिएगा, ठीक है।
और ये लेबर कार्ड में आपको ये एक फायदे मिलेंगे, सालाना आपको 15,000 रुपये मिलते हैं, लेबर कार्ड में सालाना आपको 15,000 रुपये मिलते हैं, ये बात भी अलग रखिए, याद रखिएगा। यानी कि तीनों मिलाकर अगर लेबर कार्ड की बात करें, इसमें आपको ज्यादा बेनिफिट है। ज्यादा बेनिफिट क्यों है, यानी कि अपने हिसाब से जब भी आपको जरूरत पड़े तब भी आप सहायता ले सकते हैं। कौन कौन सा सहायता ले सकते, जो कि मैंने आपको पीडीएफ से बताया, जब भी आपको जरूरत पड़े तब आप सहायता ले सकते लेबर कार्ड के डिपार्टमेंट से। और सालाना आपको 15,000 रुपये महीन सालाना मिलता है, यानी जिसके भी लेबर कार्ड बना होते हैं उनके 15,000 रुपये सालाना दे जाते हैं उनके बैंक अकाउंट में, ये बात को याद रखिएगा। अब देखिए एग्जाम्पल, तो भी कोई दुर्घटना आपके साथ हो जाए, जैसे विवाह के लिए आपको पैसे चाहिए, उसके लिए आपको क्या करना हो, उसके लिए आपको कुछ नहीं करना होगा, लेबर डिपार्टमेंट के कार्यालय, जो हर जिले में इसका लेबर डिपार्टमेंट एक कार्यालय होता है, वहां जाना, वहां आपको एक फॉर्म फिलअप करके जमा करना होता है। जब फॉर्म फिलअप करके जमा करते हो, जो भी उनके अधिकारी हो तो वेरीफाई कर देते हैं, तो आपके बैंक अकाउंट में जो भी आपका जो सहायता बनता है वो क्रेडिट कर दी जाती है डीबीटी के माध्यम से। तो यहाँ पे आप ई श्रम कार्ड, लेबर कार्ड, नरेगा कार्ड तीनों बना सकते हैं, तीनों अपने अपने जगह पे, तीनों की फायदे अलग अलग है, तो आप तीनों बना सकते हैं। तीनों बनाने में आपको कोई भी दिक्कत सामना नहीं करना पड़ेगा। जैसे कि जानते हैं ई श्रम कार्ड भी ऑनलाइन बना है, तो इसे भी आप ऑनलाइन बना सकते हैं, और यहाँ पे लेबर कार्ड ऑनलाइन बना है, ये आप ऑनलाइन बनवा सकते हैं, अपने पंचायत के मुखिया के द्वारा बनवा सकते हैं, नरेगा कार्ड अपने पंचायत के मुखिया के द्वारा बनवा सकते हैं। उम्मीद करेंगे आज के इस वीडियो में आपने नरेगा कार्ड क्या है, जॉब कार्ड क्या है, ई श्रम कार्ड क्या है, तीनों के क्या फायदे हैं, इसके बारे में मैंने आपको विस्तार से बताने की कोशिश किया। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा।